हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं वन यूआई की एक सर्कल थीम, जिसमें गाइस आपको सर्कल होम स्क्रीन आइकन देखने को मिल जाता है, सर्कल बैटरी आइकन वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और उससे पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाले हर एक थीम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह थीम आपको कैसी लगी। एंड अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिएगा इस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइज आप जानते हैं, थीम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना रहेगा। थीम डाउनलोड करने के बाद एंड यहाँ पर गाइज आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाकर डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है। देन गाइज आपको बैक आना है एंड यहाँ पर जाना है आपको डिवाइस स्टोरेज में। डिवाइस स्टोरेज में जाने के बाद स्क्रॉल कर लीजिएगा एंड यहाँ पर आपको एक डाउनलोड करके फोल्डर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अंदर गाइज में जो पहले एक्स्ट्रा फोल्डर है वो डिलीट कर लेता हूँ। एंड जो गाइज आपको आई थीम वाला फोल्डर देखने को मिलता है वह फोल्डर आपको डिलीट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से अपने डिवाइस से आई थीम वाला फोल्डर डिलीट कर लीजिएगा। तो हमारा फोल्डर गाइज डिलीट हो चुका है एंड यहाँ पर अब बारी आती है गाइज हमारी थीम को डिकम्प्रेस करने की। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल के इस थीम को डिकम्प्रेस कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से पासवर्ड आपको इस वीडियो में कहीं देखने को मिल जाएगा, वह पासवर्ड डाल के थीम को डिकम्प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज हमारी थीम सक्सेसफुली डिकम्प्रेस हो चुकी है एंड यहाँ से मैं इस थीम को कॉपी करता हूँ। फिर गाइज आपको डिवाइस स्टोरेज में जाने के बाद डॉट डी डब्ल्यू डी वाले फोल्डर को ओपन करना है। फिर गाइज आपको कई सारे फोल्डर देखने को मिल जाएगा, सभी फोल्डर को ओपन करने के बाद गाइज आपको लास्ट में एक टी फोल्डर देखने को मिलेगा, उस फोल्डर में आपको थीम को पेस्ट करना है। तो मैं गलत फोल्डर में चलेगा तो मैं यहाँ पर जाके गाइज टी फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। तो फिर गाइज आपको बैक आना है, थीम स्टोर को ओपन करना है एक बार बैकग्राउंड से सब ऐप को हटाने के बाद। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है थीम स्टोर की। फिर गाइज यहाँ पर आपको चेंज होम स्क्रीन बेस्ड ऑन वॉलपेपर एंड चेंज लॉक स्क्रीन बेस्ड ऑन वॉलपेपर वाले दोनों ऑप्शन इनेबल कर लेने हैं। फिर गाइज आपको लोकल थीम में चले जाना है एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाली थीम हमारी आ चुकी है। इस तरह का आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा इस थीम का। तो यहाँ पर गाइज मैं इस थीम को अप्लाई कर रहा हूँ। तब तक गाइज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो देख पा रहे गाइज हमारी होम स्क्रीन पे वॉलपेपर भी चेंज हो चुका है और आइकन पैक भी गाइज हमारे होम स्क्रीन पे चेंज हो चुके हैं। तो देख पा रहे हमारे होम स्क्रीन पे जो आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं वो कंप्लीट सर्कल शेप में देखने को मिलते हैं, जो कि दिखने में गाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे इस थीम के आइकन पैक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड ये लेटेस्ट गाइज वन यू थ्री के आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं जो कि सर्कल शेप में मैंने कर दिए हैं। तो देख पा रहे काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल रहा है इस थीम का एंड ऊपर जो गाइज आपको बैटरी आइकन देखने को मिल जाता है इस थीम में वो भी काफ़ी अच्छा है। Thank you.
आज के वीडियो में गाइज बस इतना ही। आशा करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह थीम आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।